जय हिंद दोस्तों, मैं ईश्वर सिंह सिसोदिया पुलिस अधीक्षक, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों सभी भाइयों का एक ही कमेंट आ रहा था कि सर एडमिट कार्ड कब आएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज रात में एडमिट कार्ड आ चुके हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एडमिट कार्ड आने के बाद आपको तैयारी किस प्रकार से करनी है। दोस्तों जिसको ज्यादा समय मिला है और कम समय मिला है, उन दोनों को तैयारी करने के तरीके बिल्कुल अलग है। जिन भाइयों को 10 दिन से कम समय मिला है तो वो अपने 5 दिन और 5 दिन में डिवाइड करके, 5 दिन तो आपको टेस्ट लगाने हैं, एक टेस्ट सुबह और एक शाम, और उन टेस्ट का अच्छे से एनालिसिस करना। लास्ट के 3 दिन आपको एक टेस्ट लगाना है और जितना हो सकता है उतना रिविजन करना है, और लास्ट के 2 दिन आपको सिर्फ और सिर्फ रिविजन करना है। और दोस्तों आपके एडमिट कार्ड में आपके पेपर का टाइम पता चल गया होगा तो आपको उसी टाइम पर टेस्ट जरूर लगाना है। उससे क्या होगा कि आपका जो एक हैबिट बन जाएगी उस टाइम पर पेपर करने का, तो उससे आपको एग्जाम में बहुत फायदा होने वाला है। इसके अलावा जिसके पास ज्यादा समय है तो वो 2 टेस्ट रोज लगाए, एक सुबह एक शाम, और अच्छे से एनालिसिस करे, और जो चीजें उन्होंने जो रिवीजन के लिए रखा है उन रिवीजन को भी साथ लेके चले। अगर आप टेस्ट और रिवीजन और प्रतिदिन जो आप टेस्ट में जो गलती कर रहे हैं उनको एनालिसिस करोगे तो जरूर आपके 5 से 10 नंबर बढ़ जाएंगे। और जो अभी एग्जाम स्टार्ट होगी और उसके बाद जो अफवाह चलेगी उन अफवाह पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे, और आपने जो प्लानिंग करी उसी प्लानिंग के अनुसार आप तैयारी करोगे, आपका सिलेक्शन 100% होगा। जय हिंद जय भारत।